गुड मॉर्निंग गाइस, माय सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट टू, जो भी मैंने डिस्कस किया अप टू पार्ट वन अप टू 150, सो आज हम लोग पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जो कि जीके एंड जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें क्या क्या पूछा गया फ्रॉम द क्वेश्चन 151। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी इन इंडिया? इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट जो है लक्षद्वीप है, बाकी आप जानते हैं अंडमान एंड निकोबार भी एक यूनियन टेरेटरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, ये हैदराबाद में आप देख सकते हैं, पर अगर पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कहाँ पर है, मसूरी के अंदर आप देख सकते हो। अजंता एंड एल्लोरा केव्स आप जानते हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी महाराष्ट्र। विच स्टेट इज़ नंबर वन इन द राइस प्रोडक्शन? वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है। अब बात आता है फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है। सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं। ग्लोबल प्रेशर एक्सपेंशन विल चेंज फॉर व्हाट रीजंस? ग्राउंड वाटर एक्सपेंशन की वजह से हम लोगों को ग्लोबल प्रेशर एक्सपेंशन जो है चेंज होता है। व्हाट आर द लाइंस दैट कनेक्ट द एवरेज हाई टेम्परेचर्स फॉर्म्ड ऑन द ग्लोब? कोवान इक्वेटर होता है, जैसे कि ये लाइन्स क्या होता है, ये लाइन जो है कनेक्ट करता है एवरेज हाई टेम्परेचर जहाँ पर भी है धरती पर, उन लाइन्स को हम लोग कोवान इक्वेटर कहते हैं। व्हाट आर द विंडिंग विंड्स सॉरी व्हाट आर द वाइंडिंग विंड्स फ्रॉम द एंड्स माउंटेन्स इन साउथ अमेरिका? उस विंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो भी वाइंडिंग विंड्स को जो भी एंड्स माउंटेन से निकलता है साउथ अमेरिका से, उसको पैम्पेरो विंड्स कहते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एंड हीट इज़ मिक्स्ड? अब आप लोग इसका मुझे बताएंगे क्या होता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एंड हीट इज़ मिक्स्ड, तो उस टाइम पे क्या होगा, आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा। व्हाट डज इट मीन व्हेन टेम्परेचर और कोल्ड इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट द मीडिया? जैसे कि थर्मल रेडिएशन आप जानते हैं बिटवीन द सन एंड अर्थ जो भी होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ओनली, जो निकलता है सूरज से और यहाँ पे आके टिकता है। विच डायरेक्शन इज़ चिरापुंजी फेस टू द हिमालयाज? चिरापुंजी जो है हिमालयाज आप देख सकते हो, विंडवार डायरेक्शन में आप ये देख सकते हो। तभी आप पता होनी चाहिए जो भी मेघालय में चिरापुंजी मासिनरम ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने वाली जगह का नाम मासिनरम है, जो कि आप मेघालय में देख सकते हो। अब बात आता है व्हाट इज़ अ कोल्ड वाटर इन द ओशन फ्लोर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स नोन एज? जो भी कोल्ड वाटर है ओशन फ्लोर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स में होता है, उनको क्या कहते हैं, वेलप्स कहते हैं। अब बात इक्वेटर लाइन नॉर्थ साउथ एंड सैलिनिटी आर स्लाइटली हायर अमोंग द विच लैटिट्यूड्स? आपको पता होनी चाहिए कि 20 से लेकर 40 जो भी डिग्री लैटिट्यूड्स है वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगा। ये इक्वेटर लाइन नॉर्थ साउथ की उस साइड इस साइड। What is the nature of moving from one area to another from top to bottom from top? जो भी इसको कहते हैं इस moving को, nature of moving from one area to another, communicating rainfall कहते हैं। Extremely wide edge on the world is located in which ocean? Arctic ocean में आपको ये extremely wide edge देखने को मिलता है। Which ocean has the highest salinity? Dead Sea जो है काफ़ी maximum salinity आपको देखने को मिलेगा। अगर झील देखा जाए, कोई भी लेक अगर देखा जाए इंडिया में, तो वो है ब्रैकिश लेक, चिल्का लेक। थ्रू विच डिवाइस वी कैन नो द कलर ऑफ द सी वाटर? सोनार डिवाइस से हम पता कर सकते हैं वहाँ जो भी उसका कलर, उसी सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं अंडर वाटर कोई भी ऑब्जेक्ट है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या डेप्थ ऑफ द ओशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन वॉट वेवलेंथ्स आर द मोस्ट ऑफ मॉलिकुलर सेल्स? जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव्स के अंदर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगा इन मॉलिकुलर सेल्स के अंदर। व्हाट आर द स्ट्रोक्स ऑफ द न्यू मून एंड फुल मून डेज? क्या क्या स्ट्रोक्स है आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे न्यू एंड फुल मून में, स्प्रिंग कह सकते हो जो भी स्ट्रोक्स हैं, स्प्रिंग स्ट्रोक्स कहते हैं उनको। हु सेज द ओशन सर्फेस इज़ लार्ज नर्सरी मरीन प्रेगनेंसी रेफर्ड एज ए ग्रेवयार्ड? बहुत ही अच्छी कोटेशन है। द ओशन सर्फेस
is a large nursery. Marine pregnancy referred as graveyard. Sir James Augustus Henry Murray ने कहा इस बढ़िया से स्टेटमेंट को. What is the area where salinity is high? उसको क्या कहते हैं? जहाँ पे salinity high है उस area को हम thermal area कहते हैं. Which saline is high in marine water salts? जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे highest salt water जहाँ पे रहेगा उसके अंदर क्लोरीन ज़्यादा है तभी हम लोग क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट कहते हैं. व्हाट आर द मराइन्स इन द इक्वेटर रीजन. जो भी लेटराइट क्लेज है वहाँ पे आपको इक्वेटर रीजन में देखने को मिलेगा. व्हाट आर द सॉइल्स दैट कॉज ड्यू टू हाई ड्रेनेज सॉइल. जैसे कि द सॉइल डिपॉजिट है दैट इज़ द रीज़न द सॉइल्स कॉज द ड्यू हाई वाटर ड्रेनेज. Which climate does the evergreen status represent? Heavy rain in the whole year that makes evergreen status of the plants. So यही एक reason है अगर आपको continuous rainfall होगी तभी आपको evergreen देखने को मिलेगा. How does the north end of the atlas map appear? जैसे कि web line है जो कि north end of the atlas map इसी हिसाब से दिखता है. The Sethu Samudram project shipping canal project started in which state? तमिलनाडु में आपको देख सकते हो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है. द सैंडस्टोन फ्लोर इन द सेमी सर्कुलर शेप इज कॉल्ड एज. जो भी सैंडस्टोन फ्लोर है सेमी सर्कुलर शेप में उसको हम लोग कहते हैं बट्रस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. वेयर इज़ अ न्यू फैक्ट्री ऑफ ट्रेन व्हील्स एस्टैब्लिश्ड. सबरा के अंदर हम लोगों को नया फैक्ट्री ऑफ ट्रेन व्हील्स आपको देखने को मिलेगा. अब बात आता है व्हाट इज़ अ स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स द पैसिफिक आर्कटिक ओशंस. दैट इज़ बेरिंग स्ट्रेट जो होता है पैसिफिक और आर्कटिक के बीच में आपको देखने को मिलता है. विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोडवेज. महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोडवेज देखने को मिलेगा. विच इज़ अ प्लेस वेयर हाई टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड इन आंध्र प्रदेश. रंटा चिंतला के अंदर आप देख सकते हो काफ़ी मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मॉनिटर किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर. What are the winds coming from high pressure grows to the equatorial pressure to the of the equator. उसको कहते हैं business wind. जो business wind होते हैं high pressure grow से लेके equatorial pressure तक आते हैं. Which tree is used in silkworms breeding. mulberry tree जो होता है जो भी silkworm breeding के लिए help किया जाता है वो use किया जाता है वो खाते भी है. In which ocean abyss is mostly formed. Pacific ocean के अंदर आपको maximum form हुआ जाता है वो क्या है abyss. तो क्या है आप लोग देखिए आपको समझ जाएंगे इंटरनेट पे. इन विच प्लेस मोर नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स अकर इन द वर्ल्ड. पैसिफिक पेनिनसुला रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है. ऑन विच कोऑर्डिनेट्स द टेम्परेट जोन ऑफ द ब्लाइंड प्लेन्स आर स्ट्रेच्ड ओवर. जो भी ऑन विच कोऑर्डिनेट्स द टेम्परेचर जोन ऑफ द ब्लाइंड प्लेन्स आर स्ट्रेच्ड ओवर 40-50 degrees नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेगा. Which continent occupies a large land in the equator? जैसे कि एशिया है जो भी इक्वेटर के पास मैक्सिमम ऑक्यूपाई करता है. अब बात आता है which country is the largest producer of paper in the world? अमेरिका जो है मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ द पेपर कह सकते हो पर इंडिया में आप जहाँ पर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग होता है उसको नीपा नगर कहते हैं. In which state of India is the land poorly useless? गुजरात के अंदर आप देखोगे इतना ज़्यादा लैंड यूज़ नहीं होता. Which coastal area is capable of producing electricity with waves? Coastal area में जहाँ पे waves धक्का देते रहते हैं उस जगह पे अभी हम लोग production of electricity कर सकते हैं. ऐसी कौन सी जगह है जैसे कि गुजरात में है. Who proposed the gaseous mass theory about land employment? Immanuel Kant जो था जिन्होंने gaseous mass theory का formulate किया था. ये किस concerning है land employment concerning है. Which country is the first in the coral reserves? ऐसा कौन सी देश है जो पहला है कोरल रिजर्व्स में. चाइना है. In which location an earthquake originates? ये नावल ऐसी जगह है आप देख सकते हो इंटरनेट पे. What exactly the नावल is? उस जगह पे आपको अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है. इवन आपको इस मैक्सिमम आप लोगों को चाइना के अलावा आप जापान के अंदर भी ऐसे देख सकते हो. In which state is gypsum is highly available in India? राजस्थान के अंदर आपको मैक्सिमम जिप्सम आपको देखने को मिलेगा. वेयर इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी. दिग्बो आप जानते हैं असम के अंदर सबसे पहला
ऑयल रिफाइनरी एस्टैब्लिश किया गया था। अब बात आता है व्हाट इज़ द अबिस्मल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो भी डिमार्केशन है इंडिया एंड श्रीलंका, गल्फ ऑफ मन्नार है और साथ में हम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट भी अब वहाँ देख सकते हो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूज़प्रिंट प्रोड्यूसिंग कंट्री क्या है? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूज़प्रिंट जो है कनाडा के अंदर होता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइलैंड्स ऑफ अंडमान एज वेल एज निकोबार आइलैंड्स, आप देख सकते हैं 325 प्लस 247 कुल मिला के हम आइलैंड देख सकते हैं। विच सिटी इज़ फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया, चेन्नई में ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, आप लोग पता होनी चाहिए चेन्नई को दूसरा नाम क्या है, आप लोग मुझे जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा रहते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा वहीं पे आपको लेदर इंडस्ट्री भी देख सकते हो। विच स्टेट इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। व्हाट इज़ अ पॉपुलर पिकनिक स्पॉट इन हरियाणा, सुल्तानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलर पिकनिक स्पॉट कह सकते हो। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ड्रेन पासिंग थ्रू द स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, जो भी इंटरनेशनल ड्रेन जो पास होता है। विच इज़ द कंट्री एंटरिंग ऑफ द सन एट मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को। द डेज दैट आर इक्वल टू द डे एंड नाइट आर अराउंड द वर्ल्ड, उसको कहते हैं इक्विनॉक्स, मार्च 21 और सितंबर 23 को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑन विच डे द अंटार्कटिक सर्किट इज़ टोटली सनशाइन एंड इज 24 आवर्स ए डे, जैसे कि दिसंबर 23 है जहाँ आप देख सकते हैं। 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू विच टाउन इन आंध्र प्रदेश, यानी काकीनाडा में आप देख सकते हो। रिवर गेट्स दैट मीट इन द सी आर कॉल्ड एज एक्सोबो लेक्स, जो भी रिवर गेट्स है दैट मीट द सी इन द सी आर कॉल्ड एक्सोबो लेक्स कहते हैं। व्हाट आर द वेस्टर्न विंड्स कमिंग फ्रॉम 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, उसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम द बॉटम, जो भी बॉटम से रोरिंग फोर्टीज कहते हैं, जो भी विंड्स आते हैं वेस्टर्न विंड्स कमिंग फ्रॉम द 40 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड बॉटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों रोरिंग फोर्टीज, याद रखिएगा। व्हाट इज द लाइन ऑफ स्प्लिट इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर पास होता है। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज नोन एज, जो भी नॉर्थ में या साउथ में जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है इनके बीच में जो रीजन है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। व्हाट वेव्स मूव्स फास्टर व्हेन द अर्थक्वेक अकर्स, जो प्राइमरी वेव्स है वो काफ़ी फास्ट मूव होता है। पी एंड एस वेव्स, व्हाट आर द वेव्स दैट पेनिट्रेट द अर्थ, सिस्मिक वेव्स जो होते हैं वो धरती को फाड़ के चले जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनो जोन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक जोन जो है काफ़ी लार्जेस्ट है। द स्लेट वेरियंट इज चेंज्ड एज विच रॉक, फाइलाइट है, जो भी फाइलाइट से ये पूरा स्लेट वेरियंट देख सकते हो। द सैंडस्टोन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विच रॉक, जो भी सैंडस्टोन है वो किस में ट्रांसफॉर्म होता है, क्वार्ट्ज में। अब बात आता है व्हाट इज़ अ रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन caused by the high pressure within the earth, उसको कहते हैं हॉर्नब्लेंड। अब बात आता है व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको कहते हैं स्क्री, जो भी फुट ऑफ द माउंटेन में आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब बात आता है व्हाट काइंड ऑफ एरोजन caused द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्लोप विच हैज़ रिवर फ्लोइंग अक्रॉस, उसको कहते हैं वर्टिकल वन। सो व्हाट काइंड ऑफ एरोजन कॉजेस ओवर देयर, वर्टिकल एरोजन। इन विच कंट्री इज द पेंटागोनिया डेजर्ट लोकेटेड, पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना के अंदर आप देख सकते हो। अभी आपको पता होनी चाहिए थार जो है सबसे बड़ा है सहारा जो इंडिया में है, और आपको पता होनी चाहिए अटकामा डेजर्ट किधर है, आप लोग मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। इन अ स्मॉल एरिया द चेंज इन द वेदर ऑब्जर्वड इन वन आर टू टू थ्री डेज कॉल्ड, उसको कहते हैं वेदर स्टेटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाइट शाइनी सरस क्लाउड्स आर फाउंड इन व्हाट काइंड ऑफ रीजन, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपको वाइट शाइनी सरस क्लाउड्स देखने को मिलता है।
व्हाट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर कॉल्ड थ्रू थ्रू कहते हैं व्हेन सम आर कंप्लीट पार्ट ऑफ द लाइट इज थ्रोन बैक आफ्टर फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट उसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं व्हाट परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज देयर इन मैराइन वाटर्स 77.8 जो है आपको यहाँ पे सोडियम क्लोराइड देखने को मिलेगा विच सी इज़ द हाइएस्ट इन सैलिनिटी आपको रेड सी के अंदर आपको हाइएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलेगा विच माउंटेन्स आर द नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लैट सातपुरा हिल्स जो है यहाँ पे देख सकते हो द नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लैट व्हाट आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया आरावली जो है ओल्डेस्ट यंग जो है हिमालयन माउंटेन्स है व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज मोर इन महाराष्ट्र ब्लैक कॉटन सॉइल्ड आप जानते हैं ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए काफ़ी फेमस है इन व्हाट प्लान विल मोस्ट ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट छठा प्लान में जो भी दिया गया है उसके अंदर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया है सिक्स्थ प्लान में विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फिंगर मिलेट फील्ड्स कर्नाटका जो है लार्जेस्ट फिंगर मिलेट्स आपको देखने को मिलेगा ऑन विच रिवर इज़ द महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड शरावती के ऊपर आपको महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखने को मिलेगा इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट शुगर मिल फाउंड बिहार के अंदर सबसे पहला शुगर मिल आपको देखने को मिलेगा विच एरिया इज़ द फर्स्ट प्लेस फॉर मिनरल्स दामोदर वैली जो है काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा रिवर दामोदर क्या है बंगाल सारो विच स्टेट हैज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव प्लांट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स गुजरात के अंदर आपको एक्सटेंसिव प्लांट्स ऑफ फर्टिलाइजर देखने को मिलेगा विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ होल पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको केरल में आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज़ द प्लान टू रिड्यूस इन्फ्लेशन फिफ्थ फाइव ईयर प्लान यही एक रीज़न था जो कि इन्फ्लेशन रेट को घटाने का ओशन विच हैज़ द लोएस्ट एरिया उसको हम देख सकते हैं लोएस्ट एरिया में आर्कटिक सी है जिसके अंदर काफ़ी कम आप एरिया देख सकते हो हु सेड द इमेज ऑफ द प्रेजेंट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट जो भी प्रेजेंट का इमेज है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट करके जेम्स हट्टन ने बताया व्हाट इज़ अ थिन लेयर ऑन द अर्थ सरफेस क्रस्ट है जो भी थिन लेयर है अर्थ सरफेस पे द स्पीड ऑफ द प्राइमरी वेव्स पर सेकंड जो भी है 8 to 10 किलोमीटर्स है जो भी स्पीड ऑफ द प्राइमरी वेव्स पर सेकंड 8 to 10 किलोमीटर्स द फर्स्ट लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सन करोना नहीं कॉर्निया जब भी जैसे कि यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए सन के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं जैसे कि धरती के अंदर अर्थ कोर मेंटल है सेम वैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए कॉर्निया कहते हैं कॉर्ना नहीं आप देख लो जो भी है उसका आप अराउंड अर्थ के जो कोर है उसके बाद कॉर्निया है जो बाहर का जो भी सूरज का जो बाहर है वो भी आप देख सकते हो सी द वॉट ऑफ द पार्ट्स हैव बीन गिवन इन द इंटरनेट विंड स्पीड किससे मेजर किया जाता है विंड स्पीड साथ साथ विंड डायरेक्शन भी एनीमोमीटर के साथ मेजर किया जाता है व्हाट इज़ नोन एज ए सॉलिड मटेरियल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस उसको कैम्फर आप जानते हैं नेफ्थलीन गोलियां भी जानते हैं ये भी उसी किस्म के सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू डायरेक्ट सॉलिड से एवापरेट हो जाता है अब बात आता है व्हाट इज़ अ रेनफॉल फॉलिंग इन द हिली एरिया कॉल्ड उसको कहते हैं माउंटेन रेनफॉल कहते हैं जो भी हिली एरिया में बारिश होता है माउंटेन्स इन द साउथ ऑफ मालवा प्लैट लैंड उन माउंटेन्स को क्या कहते हैं विंध्या माउंटेन्स कहते हैं जो भी मालवा प्लैट लैंड में दिखता है द हिल्स वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट इन द साउथ उसको कहते हैं नीलगिरी हिल्स जो भी वेस्टर्न घाट्स में है और साथ में ईस्टर्न घाट्स में भी आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी हिल्स व्हाट हैपेंस टू द सॉइल आफ्टर हेवी रेन्स नियर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली एरिया यहाँ पे क्या होगा सॉइल रेजन हो सकता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रीजन से जो भी पानी आता है वो क्या करता है साथ साथ आपको सॉइल ओरिजिन भी कर देता है वेयर द वैक्स ट्री आर मोस्ट फाउंड इन इंडिया जो भी वैक्स ट्री से आपको बिहार में आपको देखने को मिलेगा विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कल्टिवेशन बाय पॉन्ड्स पॉन्ड से ज़्यादा कल्टिवेशन आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा उस पॉन्ड से वो लोगों को काफ़ी प्रोडक्शन ऑफ द राइस हो सकता है इन विच डिस्ट्रिक्ट वुड यू फाइंड द माइका मिनरेचर इन आंध्र प्रदेश दैट इज़ आप नेल्लूर में आप देख सकते हो इस यहाँ पे आप लोग यू विल फाइंड माइका मिनरेचर इन आंध्र प्रदेश जहाँ पे नेल्लोर माइका ज़्यादा मिलता है वहाँ पे विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यार्न मिल्स जो है तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा विच सी रूट कनेक्ट्स इंडिया एंड साउथ अमेरिका एंड वेस्ट अमेरिका जैसे कि केप रूट है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया और साउथ अमेरिका को हाउ मच रेनफॉल इज रिक्वायर्ड पर ईयर टू ग्रो एवरग्रीन फॉरेस्ट
मिनिमम आपको 200 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल की ज़रूरत होता है अगर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर की रिक्वायरमेंट है 200 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कृष्णा रिवर जॉइन इन द माउथ ऑफ द सी, यानी कि 3 पार्ट्स है जो कि कृष्णा रिवर जॉइंस इन द माउथ ऑफ द सी। विच एरिया एक्सपीरियंसेस मोर रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन, असम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समर सीजन में भी आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। वेयर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म लोकेटेड, मुंबई के अंदर आप देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म का एक नया इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, वो अभी मुंबई के अंदर उपस्थित है। वॉट इज़ द बिजार्ड दैट कम्स फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स ऑफ अमेरिका कॉल्ड, जो भी बिजार्ड है उसको हम क्या कहते हैं, उस बिजार्ड का नाम बताओ आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वॉट आर द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल कॉज्ड बाई स्टॉर्म इन द बे, जो भी एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल कॉज्ड बाई स्टॉर्मी इन द बे ऑफ बंगाल इज ईस्ट कोस्टल है, ये ईस्ट कोस्ट कह सकते हो इस एरिया में। वॉट आर द स्मॉल बबल्स फॉर्म्ड ऑन द लावा फ्लो कॉल्ड, जो भी छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होता है उसको हम वेसिकल्स कहते हैं लावा पेयर। विच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, राजस्थान के अंदर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। वेन द लेयर्स ऑन द रॉक्स आर ब्रोकन डाउन लाइक ऑनियन लेयर्स एंड फॉर्म इंटू राउंड स्टोन्स, वॉट इज़ इट कॉल्ड, जिसको कहते हैं वेदरिंग कहते हैं, जैसे कि लेयर्स ऑन द रॉक आर ब्राउन लाइक ब्राउन डाउन लाइक ऑनियन लेयर्स एंड टू फॉर्म इंटू राउंड स्टोन्स। ये फनल शेप्ड फेज ऑफ द वल्केनो उसको क्या कहते हैं, कार्टर कहते हैं, जो भी फनल शेप्ड है वल्केनो का। हुज चोज टू लर्न अबाउट द एमरजेंस ऑफ वल्केनोस, ओल्ड होम है जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमरजेंस ऑफ वल्केनोस, उन्होंने ओल्ड होम जो है चोज किया उन्हें। हु कैलकुलेटेड द एज ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक लेयर्स, जॉन मुर्रे था जिन्होंने कैलकुलेट किया था एज ऑफ द अर्थ किस बेस पे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक लेयर्स, रॉक लेयर्स की स्टडी से। द एवरेज डेप्थ ऑफ द साउथ सी चाइना, साउथ चाइना सी 1200 मीटर आप देख सकते हो। इन वाट जोन अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अक्कर, पैसिफिक जोन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा भूकंप। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स देखने को मिलेगा। दुर्गापुर स्लीट प्लांट कौन से रिवर के तट पर है, दामोदर रिवर, यानी आपको पता होना चाहिए दुर्गापुर कहाँ पर है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट आर द एनिमल एंड प्लांट मटेरियल्स डिपॉजिटेड इन द सी कॉल्ड, उसको कहते हैं डिस्चार्ज, जो भी फैक्टर से निकलता है उनको, एनिमल से या कोई भी समंदर से भी, उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। विच ओशन हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल एज ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, वो है आर्कटिक ओशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेयर इज़ नेवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, देहरादून के अंदर आपको देख सकते हो नेवल हाइड्रोग्राफिक स्कूल। विच प्रोजेक्ट वॉज टुक अप बाई पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, बियास प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं बियास रिवर, इस प्रोजेक्ट इन्होंने टेकअप किया है। वाट इज़ द डिकेड ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट ग्रोथ, आप जानते हैं जो भी बर्थ एंड डेथ रेट का जो डिकेड है 1961 से लेकर 1971 में आपको देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम मेटल इज़ मेड फ्रॉम विच मिनरल, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, बॉक्साइट ओर से। हु रिसर्च्ड ऑन द वाटर एवेपोरेशन ऑन द ओशन, दैट इज़ ओकाडा। हु रोट द बुक द वाटर प्लांट, इस किताब को लिली वाटसन ने रचना की गई थी। इन द वेस्ट अफ्रीका साइक्लोन्स आर नोन एज, टोर्नाडोज कहते हैं इस टोर्नाडोज कहाँ पे, वेस्ट अफ्रीका में। व्हाट इज़ अ जोन फॉर्म्ड बाय द लाइटर विंड्स इन द मिडल ऑफ द इक्वेटर, जैसे कि डोल्ड्रम कहते हैं, जो भी फॉर्म्ड बाय द लाइटर विंड्स इन द मिडल ऑफ द इक्वेटर, डोल्ड्रम्स। हु ड्रू द वर्ल्ड्स रेनफॉल मैप फॉर द फर्स्ट टाइम, वो है बारगान, इन्होंने वर्ल्ड्स रेनफॉल मैप ड्रॉ किया उन्होंने। हु इन्वेंटेड एनिमोमीटर, जो आप जानते हैं विंड स्पीड मेजर करने के लिए, लियोन बटिस्टा अल्बर्टी, इन जिन्होंने एनिमोमीटर की खोज की थी। When two rivers flow on the side, what is the process of water flowing in another river? उसको कहते हैं कन्फ्लुएंस कहते हैं, जो भी साइड में साइड जाते रहते हैं। What causes the decrease in the boiling point of water in a high mountain area? That is pressure जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से boiling point कम हो जाता है। If any mineral chemically changes by meeting with water, what kind of reaction is it? उसको कहते हैं hydration. Which country has more colonized colored birds? South America में आपको ज़्यादा से ज़्यादा
कॉलोनीज में आपको देखने को मिलेगा कलर कलर्ड बर्ड्स साउथ अमेरिका में. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ थाउजेंड ऑफ लेक्स? फिनलैंड को हम कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, बट थाईलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स. ऑन विच डे डू द रेस ऑफ द सन फॉल लॉन्गर ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ? मार्च 21 तारीख को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सनराइज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा. विच रिवर डिवाइड्स दमन एंड दीव? तापी रिवर जो है दमन और दीव को डिवाइड करता है. विच स्टेट हैज अ सांबर लेक? राजस्थान के अंदर आपको सांबर लेक देखने को मिलता है. द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ टी लीफ क्रॉप जो है आसाम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी कर्नाटक में. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल सिटी इन ब्राज़ील? साओ पाउलो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है जो कि ब्राज़ील के अंदर साओ पाउलो. विच रीजन हैज़ डेड सी? वेस्ट बैंक के अंदर आपको डेड सी देखने को मिलेगा. व्हाट इज़ द शेप फॉर्म्ड आफ्टर लावा कूलिंग ऑन द ग्राउंड? वो है बसाल्ट है. द स्टेट हैज़ द फॉरेस्ट एरिया पर कैपिटा? उसको हम कहते हैं सिक्किम. व्हाट टाइप ऑफ जोनल सॉयल इज इन इंडिया? रेड सॉयल आपको देखने को मिलेगा. द कंट्री इज़ मोस्ट डिफेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? वो है बांग्लादेश. अब बात आता है विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन? नागालैंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेड्यूल कास्ट देखने को मिलता है. विच प्लेस ऑफ चाइना हैज़ मोर अवेलेबिलिटी ऑफ कोल? शानसी एंड शेंगसी, इन दोनों जगह के अंदर आपको मोर अवेलेबिलिटी ऑफ कोल देखने को मिलेगा. वाट आर द एक्सटेंडेड ग्रासेस अक्रॉस कोलंबिया? वेनेजुएला कॉल्ड, उसको कहते हैं लानोस, जो भी एक्सटेंडेड ग्रास अक्रॉस कोलंबिया कह सकते हो. वेयर इज़ द मेन ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट रेलवे जोन लोकेटेड? इसका आप मुझे देख सकते हैं, बेंगलुरु के अंदर आपको मेन ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट रेलवे जोन आप देखने को मिलता है. ये सब चीज़ें आप लोगों को 150 पहला पार्ट, 150 दूसरा और कुछ पार्ट्स आपको बताऊँगा. प्लीज़ आप लोग इस पर फोकस करिए, काफ़ी आपका जियोग्राफी का वाइज कंसर्निंग क्वेश्चन जितने भी हैं सब कवर हो जाएगा. थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ.